A+ सिक्योरिटी थी बाबा सिद्दीकी के पास, तो वो क्या सारे के सारे वहां पर मुजरे कर रहे थे? कहां थे वो सारे के सारे? कि Y+ सिक्योरिटी में अगर एक नेता को मार दिया जाता है तो सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार शामिल है इस गैंग माफिया को सुपारी देने में और बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाने में। कि बाबा सिद्दीकी कॉम्युनल नहीं थे, मजहबी नहीं थे, धार्मिक नहीं थे, वो सेकुलर मुसलमान थे। वो जोड़ने की बात करते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। और कि आतिक अहमद को जेल में मरवा दिया गया, पुलिस कस्टडी में मरवा दिया गया, बिहार के शेर शहाबुद्दीन को जेल में मरवा दिया गया, आप देखिए कि मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा दिया गया। और कुछ ना कुछ ऐसा कोई गेम बची है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, कहीं ना कहीं आप ही देखिए कि बाबा सिद्दीकी को बलि का बकरा बनाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नया उफान लाने की कोशिश करी जा रही है। तरीके से देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी की जो है कुछ लड़कों ने मिलकर करके हत्या कर दी है। कुछ लड़कों ने नहीं, माफियाओं ने, आतंकवादियों ने, देशद्रोहियों ने हत्या करी है। कुछ लड़कों ने हत्या नहीं करी। और जिन बाबा सिद्दीकी का ये मर्डर हुआ, बाबा सिद्दीकी कोई एक आम सा आदमी तो थे नहीं कि जाया किसी मुसलमान को पकड़ा और ठेली वाला था कि फेरी वाला था कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, कि दाढ़ी वाला देखा तो टोपी वाला देखा तो मॉब लिंचिंग कर दी। बाबा सिद्दीकी एक बहुत रेपुटेटेड नाम थे और एक बहुत, जिसको कहना कि बहुत सर्कुलेटेड नाम थे, क्योंकि रमज़ान में इफ्तार पार्टी के लिए बाबा सिद्दीकी की पहचान बहुत बुलंद थी। हर रमज़ान में बाबा सिद्दीकी एक इफ्तार पार्टी करते थे और तमाम सितारों